नमस्कार, मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। अपने पहले आइटम सॉन्ग को लेकर प्रोड्यूसर एकता कपूर से क्यों नाराज हैं प्रियंका, बताएंगे आज की टॉप स्टोरी में। बताएंगे एकता कपूर ने कैसे दिया फिल्म हिम्मत वाला और चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स को जवाब। बताएंगे फिल्म लुटेरा में रणवीर सिंह की इम्प्रेसिव एक्टिंग के पीछे है किसका हाथ। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रियंका चोपड़ा पहले ही फिल्म शूट आउट एट बडाला में आइटम नंबर करने को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी और अब जून को खबर मिली है कि प्रियंका चोपड़ा एक खास वजह से एकता कपूर से हो गई है नाराज। क्या है पीसी की नाराजगी की वजह, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। देयर इज ओनली वन सॉन्ग व्हिच इज व्हाट से द गेस्ट स्टार सॉन्ग इन द फिल्म, द व्हाट शुड आई से, द चेरी ऑन द केक, एंड दैट्स प्रियंका सॉन्ग। व्हाट शुड आई से, द चेरी ऑन द केक, एंड दैट्स प्रियंका सॉन्ग। प्रियंका के केक की चेरी चुराकर लगा दी गई है सनी के केक पर। लैला को बबली बदमाश से ज्यादा ग्रैंड लॉन्च मिलने पर एकता से नाराज हो गई हैं प्रियंका। जी हां, रिपोर्टेडली प्रियंका चोपड़ा और एकता के बीच अब नहीं रह गई है कोई भी एकता। वजह भी सामने है, सनी के डांस नंबर के लॉन्च के साथ ही झूठा साबित हो गया है एकता का ये दावा। सनी एक पार्ट प्ले करी है फिल्म में, शी इज नॉट डूइंग एनी सॉन्ग। सनी एक पार्ट प्ले करी है फिल्म में, शी इज नॉट डूइंग एनी सॉन्ग। हालांकि एकता और संजय गुप्ता के साथ चल रही प्रियंका की किसी खिटपिट से बेखबर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बयां कर रही हैं कि पीसी को अडल्ट फिल्म स्टार सनी लियोनी से प्रॉब्लम हो रही है। प्रियंका हो गई है शूट आउट एट बडाला में सनी लियोनी के आइटम नंबर से इनसिक्योर। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। वैसे भी शूट आउट एट वडाला के म्यूजिक लॉन्च पर सनी के ग्रैंड परफॉर्मेंस से काफी पहले जूम ने आपको दिखाया था कि प्रियंका की प्रॉब्लम सनी को लेकर नहीं बल्कि लगता है फिल्म की प्रोड्यूसर एकता और डायरेक्टर संजय गुप्ता के साथ है, जिसका पहला सबूत मिला था बबली बदमाश के इस प्रमोशनल इवेंट पर, जहां प्रियंका चोपड़ा ने एकता और संजय की मर्जी के खिलाफ अपने आइटम नंबर की सक्सेस का केक अपनी मनचाही जगह पर कट किया था। वैसे भी प्रियंका के लिए रखा गया ये इवेंट उतना ग्रैंड नहीं था जितने हाई प्रोफाइल इवेंट्स एकता और संजय अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए पहले करते आए हैं। और शूट आउट एट बडाला के इतने ग्रैंड इवेंट्स के बाद पीसी ने शायद उम्मीद लगा रखी थी कि उनके फर्स्ट एवर आइटम नंबर को अब तक आइटम नंबर्स करती आई एक्ट्रेसेस में सबसे धमाकेदार लॉन्च मिलेगा। लेकिन जब प्रियंका को अपनी डिजायर पूरी होती नहीं दिखाई दी तो शायद इस इवेंट पर दिखने लगा प्रियंका का फ्रस्ट्रेशन। फिर तो एक जगह नहीं, पीसी का गुस्सा जगह जगह इस इवेंट पर नजर आया था। वेल, प्रियंका की नाराजगी दिखाने वाली ये केक कंट्रोवर्सी जूम आपको पहले ही दिखा चुका है, जिससे इतना इशारा तो मिल ही गया था कि प्रियंका को भनक लग गई थी कि हो ना हो बबली बदमाश को साइडलाइन करने के लिए हो रही है कोई बदमाशी, क्योंकि प्रियंका के आइटम नंबर के प्रमोशनल इवेंट के बिल्कुल अगले ही दिन हो गया सनी के आइटम सॉन्ग के लॉन्च का धमाका। वेल, ये सनी के सॉन्ग का ऑफिशियल लॉन्च तो नहीं था, पर इस इवेंट पर सनी की एक धमाकेदार परफॉर्मेंस रखी गई। सोफी चौधरी ने भी परफॉर्म किया, वो भी शूट आउट एट वडाला की पूरी स्टार कास्ट की मौजूदगी में। एक ही स्टेज पर जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी, सोनू सूद, तुषार कपूर, हर कोई था मौजूद। सबकी प्रेजेंस में सनी लियोनी का पहला आइटम सॉन्ग लॉन्च हुआ। प्रियंका के इवेंट से काफी अलग रंग था इस इवेंट का। नतीजा, बबली बदमाश से सबका ध्यान हट गया और सिर्फ लैला उर्फ सनी की बातें होने लगी। माल कमाने में वो मजा नहीं है जो माल पे उड़ाने में है। और अगर माल लैला जैसी हो तो मजनू की तो लाइन लग जाती है।
अब इस आंखों देखी बात को सही माना जाए या फिर एकता की कही हुई उस बात को। सनी एक पार्ट प्ले कर रही है फिल्म में, शी इज नॉट डूइंग एनी सॉन्ग एंड शी हैज नो फीमेल लिरिकल सॉन्ग विद हर। देयर इज ओनली वन सॉन्ग व्हिच इज व्हाट से द गेस्ट स्टार सॉन्ग इन द फिल्म, द व्हाट शुड आई से, द चेरी ऑन द केक, एंड दैट्स प्रियंका सॉन्ग। पर यहाँ तो केक भी गायब है और चेरी भी। ऐसे में प्रियंका अगर सच में खुद को ठगा सा महसूस कर रही हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। This is my first time I've done a song in like a dancing kind of song in not somebody else's film. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. फिल्म लुटेरा के फर्स्ट लुक में रणवीर सिंह की इंटेंस एक्टिंग ने सबको इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को पता है कि रणवीर की इस इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस के पीछे किसका हाथ है। वेल, अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी। रणवीर सिंह की इस इंटेंस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं आप। फिल्म का फर्स्ट लुक जब से सामने आया है आज सभी रणवीर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है रणवीर सिंह की इस इंटेंस एक्टिंग के पीछे किसका हाथ है? वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे फिल्म के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने या प्रोड्यूसर्स अनुराग काश्यप और एकता कपूर का हाथ है, तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि रणवीर सिंह की एक्टिंग गुरु है सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ, रणवीर सिंह का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो अपना बेस्ट देना चाहते थे और इस चक्कर में वो हमेशा टेंस हो जाया करते थे। ऐसे में सोनाक्षी बनती थी उनकी गुरु। रणवीर का कहना है सोनाक्षी उन्हें हमेशा समझाया करती थी कि अगर वो शूट के दौरान टेंस होंगे तो वो स्क्रीन पर दिखेगा, और वो फिर कोशिश करते थे कि सीन अच्छी तरह से शूट करें। वेल, सोनाक्षी ने अभी तक बॉलीवुड के 40+ एक्टर्स के साथ काम किया है और यही वजह है कि एक्सपीरियंस के मामले में वो रणवीर सिंह से आगे निकल चुकी है। और फिल्म लुटेरा के सेट्स पर रणवीर को सोनाक्षी के इसी एक्सपीरियंस का खूब फायदा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि फिल्म हिम्मत वाला और चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स ने एकता कपूर की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 से टक्कर लेने के लिए थिएटर ओनर्स के साथ एक डील कर ली है। और अब जूम को पता चला है कि एकता ने अपनी फिल्म की इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक खास स्टेप लिया है। आप भी देखिए एकता कैसे अपनी फिल्म को दिलवाएंगी बेहतर रिलीज। एकता कपूर आज है मोस्ट पावरफुल लेडी ऑफ बॉलीवुड, और सोर्सेज के मुताबिक रिसेंटली एकता को फिल्म हिम्मत वाला और चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स ने किया चैलेंज। अब ऐसे में एकता कपूर इस चैलेंज का फिटिंग रिप्लाई ना देती ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल रिसेंटली एक खबर आई कि फिल्म हिम्मत वाला और चेन्नई एक्सप्रेस को प्रोड्यूस कर रही प्रोडक्शन कंपनी ने थिएटर ओनर्स के साथ एक डील करने की कोशिश की है, जिसके मुताबिक साजिद की फिल्म हिम्मत वाला को रिलीज करने वाले थिएटर्स को ईद के मौके पर उन्हीं की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज करना पड़ेगा। ऐसे में एकता कपूर की फिल्म वंस अपॉन टाइम इन मुंबई 2 के ऊपर ठीक तरह से रिलीज ना होने का खतरा मंडरा रहा था, और यही वजह है कि एकता कपूर ने अब इस प्रोडक्शन हाउस को उन्हीं की भाषा में रिप्लाई करने की ठानी है। एक इंग्लिश डेली के मुताबिक एकता ने थिएटर ओनर्स के सामने अपनी 5 फिल्म्स की डील रख दी है। इस डील में एकता की फिल्म्स वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2, लुटेरा, शूट आउट एट मंडाला, एक थी डायन और रागिनी MMS 2 शामिल है। वैसे अब तक ऑफिशियली ना तो एकता और ना ही चेन्नई एक्सप्रेस को प्रोड्यूस कर रही प्रोडक्शन हाउस ने अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो एकता कपूर अपनी फिल्म को फेयर रिलीज दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में इस ईद पर दिवाली की तरह ही एक बड़ी टक्कर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बिपाशा बासु आजकल अपनी फिल्म आत्मा को प्रमोट करने में जोरों शोरों से लगे हुए हैं, और रिसेंटली हमने एक और इवेंट पर इन दोनों स्टार्स को मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए स्पॉट किया। टेक लुक। बिपाशा बासु और नेशनल अवार्ड विनर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे एक इवेंट पर टू प्रमोट देयर अपकमिंग फिल्म आत्मा। बिपाशा वॉज लुकिंग गॉर्जियस इन हर अटायर, सो लेट्स मूव ऑन टू द मेन इवेंट, जहां मीडिया इंटरेक्शन में इन एक्टर्स ने की हमसे बात। जहां इस इवेंट पर विपाशा ने बोला कि जादू की छपी वर्क्स वेरी वेल टू फील बेटर व्हेन यू गो थ्रू अ टफ टाइम। अभी तो यू नो वन डे बिफोर द फिल्म रिलीजेस ब्रेन थोड़ा नंब हो जाता है, अच्छे आंसर नहीं दे पाऊंगी आज, लेकिन जादू की छपी आई बिलीव दैट यू नो हार्ट इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, तो जरूर यू नो व्हेन यू आर लो, व्हेन यू आर एंग्शियस, व्हेन यू आर स्केयर्ड,
a hug is always the most important thing in the world. जादू की झप्पी से याद आते हैं संजय दत्त, जिन्हें 5 years की जेल की सजा मिल गई है, और इसी न्यूज पर बिपाशा's reaction was sad too. We are very saddened to hear the news about Mr. Dutt. We are saddened and shocked. He's been my co-star in many, many films, and he's a wonderful human being. And I don't know why God tests people, but this is how it is. And at this point, all of us feel really, really sad, and that's all we can say. But it's, you know, we just heard about the sentence, and it's shocking. And you know, there's nothing more that I can say. I'm really, really upset with the sentence. चलिए बढ़ चलते हैं इस इवेंट की ओर, जहां बिपाशा ने अपनी फिल्म आत्मा पर भी की बात. It's a supernatural film with a lot of emotions. It's layered, and when you watch it, you can give a term to it. You know, it is definitely belongs to the supernatural genre, which will you will get scared when you watch the film. वही बिपाशा wants to set a good benchmark with her films, and to this she said, अभी तो मैं अपना फेस ही संभाल लूँ, फेस ऑफ बिपाशा बसु ही हूँ. हर किस्म का रोल करना चाहती हूँ और किया है बहुत कुछ अभी तक. सो आई यू नो, ये सब टैग्स हमें मिलते रहते हैं, कभी कभी बिल्लो बन जाती हूँ, कभी कभी कुछ कुछ नाम मीडिया देती रहती है, प्यार से मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ. बट द आइडिया फॉर एन एक्टर इज़ कि उनकी पहचान तभी होती है जब उनका काम लोगों को पसंद आए. एंड थैंकफुली आई बीन वेरी लकी एंड सपोर्टिव कि ऑडियंस और मीडिया ने मेरा साथ बहुत दिया है. आगे भी वही चाहूँगी. वही नवाजुद्दीन आफ्टर विनिंग अ नेशनल अवार्ड डजंट सीम टू बी सो कीन ऑन विनिंग अवार्ड्स. देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो अवार्ड के लिए नहीं किया जाता, वो अच्छा लगता है. आपके डायरेक्टर आपको बताते हैं, कैरेक्टर होते हैं उसमें, जो चल वो प्रोसेस बहुत अच्छी लगती है. कभी ये सोच के नहीं किया जाता कि अच्छा ये मैं कैरेक्टर इसलिए करूँगा कि मुझे नेशनल अवार्ड मिल जाएगा. ये सब नेशनल अवार्ड या जितने भी अवार्ड होते हैं वो अपने सर पे रख के तो भाग नहीं सकता है, कुछ काम नहीं कर सकता मैं. Also, नवाजुद्दीन बिपाशा बासु के साथ काम करते हुए काफी खुश नजर आए. मैंने तो पहले भी ये सोच के नहीं किया था कि बिपाशा होंगी फिल्म में. जब पता चला बिपाशा है, तो ऐसा रिएक्शन था मेरा, और उसके बाद काम करके बहुत अच्छा लगा. और जिस तरीके से इनके साथ काम करके अच्छा लगा, इसी तरह के एक्ट्रेस मिलते रहे, बहुत अच्छा है. चलिए, बिपाशा के साथ काम करना आपको जितना पसंद आया, वी जस्ट होप कि उतना ही ऑडियंस को आपका और बिपाशा बासु को एक साथ बिग स्क्रीन पर देखकर मजा आए. फॉर चेतना सिंह, जूम मुंबई. पॉपुलैरिटी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भले ही सलमान खान ने शाहरुख को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी एक फ्रंट है जहाँ शाहरुख है सलमान से आगे. आप भी देखिए एसआर के किस फील्ड को करते हैं रूल. शाहरुख के तख्त को हिला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. किंग खान की मोनोपोली रहेगी कायम. शाहरुख खान को नहीं मिलेगा सलमान से कोई कंपटीशन. बॉलीवुड के राज का राज बरकरार रहेगा फेयरनेस क्रीम ब्रांड को एंडोर्स करने के मामले में. कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि सलमान शाहरुख के एक राइवल ब्रांड को टक्कर देने वाले हैं, वो ब्रांड जो फेयरनेस क्रीम का है. लेकिन हाल ही में जब शाहरुख के राइवल ब्रांड से सलमान और उनके एसोसिएशन के बारे में जानना चाहा, तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है. और सुनने में आया है कि सलमान नहीं कर रहे हैं फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स और न ही दे रहे हैं शाहरुख को कोई टक्कर. शाहरुख लगभग इकलौते ऐसे मेल एक्टर हैं जो फेयरनेस क्रीम ब्रांड को एंडोर्स करते हैं. और अब जब सलमान का नाम हट चुका है, तो इतना तो कहना पड़ेगा कि सुपरस्टार शाहरुख की मोनोपोली बरकरार रहेगी. फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. मैं मिस इंडिया 2013 पहुंच चुका है अपने आखिरी स्टेज पर, विद द फिनाले राइट अराउंड द कॉर्नर. कैच द गर्ल्स गेटिंग ग्रूम्ड टुनाइट एट 8 PM ऑन ज़ू. बट बिफोर दैट, टेक अ लुक एट व्हाट द एक्स मिस इंडिया हैज टू से फॉर दीज गर्ल्स. मिस इंडिया टू मी इज अ वुमन हु इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, समवन हुज फुटस्टेप्स अदर्स वुड वांट टू फॉलो, एन आइडल फॉर मेनी. एंड या I mean, to whom the other girls would look up to and say, that's where I want to be, and change their lives forever. I truly wish that each girl in the country could feel
how it feels to win that moment, to be a winner in that moment. There's nothing to compete that. Well, जो सारी Miss India contestants Miss India में भाग लेती हैं, मैं बस उनको इतना कहना चाहूँगी that the best thing that you can do while you're a part of the contest is to enjoy the experience, because Times of India as a group gives you so many opportunities, gives you so many chances, gives you the access to meet so many experts in different fields. Enjoy the process, make new friends, be yourself. And I promise you, you're going to be a winner. Being Miss India, what it means to me is just being a woman, being a girl, fulfilling her dreams, being on the stage and showing people, here I am and I'm going to represent my country. And especially when you become a Miss India, the biggest feeling is when you travel for international pageant that you're known as India. They don't know your name, they only call you India. I think that's the biggest high any girl can get. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.